हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 प्लांट्स. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एक टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, सीड्स, लीव्स, ये सब हमने पढ़े थे. आज हम इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं, कुछ स्पेलिंग्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको लर्न करनी है. तो फर्स्ट स्पेलिंग आपके सामने है ट्री, दिखाई दे रहे हैं ट्री. तो ट्री की स्पेलिंग क्या होती है, टी आर ई ई, ट्री. ट्री मीन्स आपको बताइए पेड़ जो आप देखते हो आपके चारों तरफ, तो ट्री फर्स्ट स्पेलिंग. एंड सेकंड स्पेलिंग इज श्रब्स, दिख रही है ना आपको क्या स्पेलिंग है, श्रब्स. श्रब्स मीन्स बेटा झाड़ी होती है, जैसे फ्लावर जिनके लगते हैं, रोज़ का फ्लावर देखते हो उसमें कांटे होते हैं ना, है ना, रोज़ के फ्लावर के नीचे आप लीव्स देखते हो, उसके पास आपको कांटे मिलेंगे, तो झाड़ियाँ जिनको बोलते हैं, तो श्रब मीन्स वो होता है, जैसे हिबिस्किस, वेंदी, ये सभी क्या होती है, श्रब्स होते हैं. आप श्रब्स की स्पेलिंग आपके सामने है एस एच आर यू वी एस, ओके. अब अपन थर्ड स्पेलिंग देखते हैं, तो थर्ड स्पेलिंग आपके सामने क्या दी हुई है, हर्ब्स. क्या पढ़ोगे आप इसको, हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी, जिनसे जड़ी बूटी बनती है, जैसे मिंट है, कोरिएंडर, ग्रास, ये सब क्या होते हैं, ये हर्ब्स होते हैं. हर्ब्स की स्पेलिंग आपके सामने दे रखी है एच ई आर बी एस, हर्ब्स, ओके. अब नेक्स्ट आप देख रहे हो तो कौन सी स्पेलिंग है, क्लिम्बर्स, है ना, क्लिम्बर. सो स्टूडेंट, ये क्या होती है, जैसे आप कुछ प्लांट्स देखते हो तो उनको, जैसे अपन बोलते हैं बेल टाइप में, तो उनको सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए. जैसे कुछ प्लांट तो अपनी रूट्स पे सीधे खड़े हो जाते हैं, बट इनको सपोर्ट चाहिए, है ना. तो ये क्या करती है, ये ऊपर की तरफ इसे राउंड राउंड घूम के इनको सपोर्ट चाहिए, चाहे वॉल हो या फिर कुछ और हो, इनको सपोर्ट चाहिए. तो जैसे ग्रेप्स है, आप देखते हो ग्रेप्स को, है ना, तो ये पीज है, इनको क्या चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए इनके पेड़ को, मतलब प्लांट को. अब नेक्स्ट इसकी स्पेलिंग आप ये देख ही रहे हो, तो क्या है, सी एल आई एम बी ई आर. अब नेक्स्ट है क्रीपर, देख रहे हो आप क्रीपर. तो क्रीपर बेटा ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनके जो लगते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी, वो बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, हैवी होते हैं. जैसे वाटरमेलन है, पम्पकिन आप देखते हो, तो ये क्या है, ये हैवी होते हैं ना, वाटरमेलन भी हैवी होता है. तो ये ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं, ये ज़मीन से ऊपर इनके प्लांट में इतना सपोर्ट नहीं रहता है कि ये ज़मीन के सीधे खड़े हो जाए, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स लगते हैं या वेजिटेबल लगते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती है. बॉटल गॉर्ड है, वाटरमेलन है, ये क्या होते हैं, ये क्रीपर प्लांट होते हैं. पम्पकिन है, ये हैवी होते हैं ना. तो क्रीपर की स्पेलिंग क्या होती है, सी आर ई ई पी ई आर, क्रीपर, ओके. अब नेक्स्ट सिक्स नंबर की स्पेलिंग आप देख रहे हो, तो आपके सामने क्या है, ब्रांच. सो स्टूडेंट, ब्रांच मीन्स शाखाएं होती हैं. जैसे आप पेड़ एक ट्री देखते हो या प्लांट देखते हो, प्लांट के ऊपर छोटी सी कली निकलती है या शाखा जिसको अपन बोलते हैं, तो ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच. सिक्स नंबर की स्पेलिंग देख ली. सेवन नंबर की स्पेलिंग आपके प्लांट है, तो प्लांट देखे हो, पौधे, पी एल ई एन टी, प्लांट. एट नंबर की स्पेलिंग लीव्स. सो स्टूडेंट, लीव्स क्या होती है, पत्तियाँ, जो प्लांट्स के इनके देखते हो ना लीव्स लगी हुई रहती है, ऑलमोस्ट जो प्लांट्स के लीव्स होती है वो ग्रीन कलर में ही होती है, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. एंड नेक्स्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स की स्पेलिंग आप बोल सकते हो, एंड इसकी स्पेलिंग क्या होगी, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स. नेक्स्ट स्पेलिंग स्टेम, जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्लांट्स का पार्ट्स ऑफ ए प्लांट पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि ये स्टेम होता है जो क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, वाटर, फूड, ये सप्लाई करने का काम कौन करता है, स्टेम, जिसको बोलते हैं तना, एस टी ई एम, स्टेम. अब नेक्स्ट स्पेलिंग आपके सामने है सीड्स. सो स्टूडेंट, सीड्स मीन्स बीज जो होते हैं जिनसे एक प्लांट तैयार होता है, तो सीड्स की स्पेलिंग होती है एस ई ई डी एस, सीड्स, ओके. अब लास्ट स्पेलिंग आपकी रह गई है तो रूट्स. सो स्टूडेंट, रूट्स मीन्स जड़ें होती हैं जो क्या करती है, जो पूरे प्लांट या जो भी पेड़ होता है इनको पकड़ जकड़ के रखती है, ऑब्जर्व करती है वाटर को, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करती है, जड़ें करती हैं. एक ही क्या करती है, पूरे प्लांट को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, ओके. तो ये है आपका चैप्टर से 11 चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने आपको करवाए हैं. इनको आप अच्छे से लर्न करोगे और अपनी नोटबुक में भी लिखोगे, और फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.